हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक मसालेदार सब्ज़ी की रेसिपी, मसाला पनीर। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये रेस्टोरेंट के कढ़ाई पनीर, शाही पनीर या उन सब से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो लोग स्पाइसी मसालेदार खाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर में 2 टमाटर, 4 से 5 लाल साबुत मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा लेंगे और इनका एक अच्छा सा प्यूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम डालेंगे ये तेज पत्ते। उसके बाद मैंने यहाँ डाला 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसे मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ डाला 1/2 छोटा चम्मच हल्दी। और जो प्यूरे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, वो टमाटर, अदरक और लाल मिर्च का प्यूरे हम इसमें डाल देंगे और इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना है, 2 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुनने लगे, तब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। दही जो है वो हमें रूम टेम्परेचर वाला ही इसमें डालना है, एकदम ठंडा फ्रिज का दही नहीं डालना है। और दही डालने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए, दही हमारा मिक्स हो चुका है, इसमें एक बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मलाई। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, जो बाज़ार की अमूल क्रीम आती है। मैं यहाँ घर की जो मलाई होती है वो डाल रही हूँ। वैसे आप घर की जो मलाई होती है वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो मैंने यहाँ लगभग 1 कप मलाई इसमें डाल दी है और अब इसे थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे मसालों के साथ। इसे अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे, इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तब तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस मसाले को पकाना है। और अब मैंने यहाँ डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च। इससे एक अच्छा बढ़िया कलर आता है सब्ज़ी का और एकदम खाने में, देखने में एकदम मसालेदार लगती है। मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर और भून लेंगे मसाले को। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखनी है तो इसमें थोड़ा कम पानी ऐड करें। ये देखिए, अब बारी है इसमें पनीर ऐड करने की। मैंने यहाँ पनीर को क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। पनीर के पीसेस थोड़े बड़े ही रखने हैं हमें इसमें, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कट करने। पनीर को इसमें डालने के बाद अच्छे से एक मिक्स करेंगे। पनीर को अच्छे से मसालों में मिक्स करने के बाद हमें लगभग इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख देना है धीमी आँच पर, और पनीर को मसालों के साथ पकने देना है। ये देखिए, अब ढक्कन हटाने के बाद इसका कलर देखिए, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम मसालेदार स्पाइसी लग रहा है ये पनीर। इसे थोड़ी देर अभी हमें और पकाना है, तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए अभी हम इसे और पकाएंगे, जब तक जो मसालों का जो स्वाद है वो पूरी तरीके से पनीर एब्जॉर्ब ना कर ले, अच्छे तरीके से पनीर में मसालों का फ्लेवर आ जाए। तब तक हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और ये देखिए, हमारा मसाला पनीर बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसमें प्याज, लहसुन या किसी का भी काजू पेस्ट कुछ भी ऐड नहीं किया है। फिर भी देखिए, इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी, कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसी तरीके से एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पनीर की सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए हम थोड़ी सी अमूल क्रीम इस पर डाल देंगे।
आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये देखिए, देखने में ही कितनी मसालेदार, कितनी टेस्टी लग रही है ये पनीर की सब्ज़ी। तो अगर आपको आज की मेरी ये पनीर की मसालेदार रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी में।